गया, तो प्रेजेंट में आप लोग निमाड़ से 1200 फीट के टॉप पर विजिट करेंगे और मांडू का रूपमति पवेलियन मांडू का हाईएस्ट पॉइंट होने के दौरान सी लेवल से 2100 फीट के हाइट पर बिल्ड किया गया, जिसका यूज एक वॉच टावर के रूप में लिया जाता था। मांडू की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 6th सेंचुरी से 1288 तक यहाँ पर परमार डायनेस्टी रही राजपूत शासन का, लेकिन 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड मांडू का रहा वो टेंपल डेवलपमेंट का था। यहाँ पर 300 से ज़्यादा जैन टेंपल्स थे, 400 से ज़्यादा वैष्णव टेंपल्स थे। मांडू जस्ट लाइक ए पालीताना जैसा दिखाई देता था, इतना टेंपल्स यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन फिर स्टार्ट हुआ मॉन्यूमेंट्स डेवलपमेंट, तो 946 से 10th सेंचुरी तक यहाँ पर रहे पृथ्वी वल्लभ मुंज, मुंज देव परमार जिन्हें बाद में मालवापति मुंज कहा गया। सेकंड रहे 1010 से 1050 राजा भोज देव परमार, जिन्होंने पहली राजधानी भोपाल, दूसरी उज्जैन और तीसरी मांडू से 35 किलोमीटर आगे धार, जिसे आज भी भोज सिटी के नाम से जाना जाता है। लास्ट परमार शासक रहे महालक देव परमार 1288 में अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी के दोनों सेनापति मलिक काफूर और एनहुला मुलहक का, जो पहले गुजरात में इंट्री करते हैं और गुजरात से मालवा आते हैं। तब यहाँ पर महालक देव परमार को हरा दिया जाता है और स्टार्ट होता है मांडू में मुस्लिम टाइम पीरियड। तो अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही सलाहकार दिलावर खान गोरी को मालवा का गवर्नर बनाया जाता है, तो दिलावर खान गोरी मालवा के गवर्नर बनते ही अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करके मालवा के फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंग बनते हैं। लेकिन उन्हीं के बेटे अल्प खान गोरी के द्वारा उन्हें मालवा के राज्य के लिए जहर देकर मार दिया जाता है। वही अल्प खान गोरी 1405 में जब मालवा की गद्दी पर बैठते हैं तब उन्हें होसंग शाह गोरी के नाम से जाना जाता है। होसंग शाह गोरी 1405 से 1435 तक यहाँ रहते हैं। 1435 में होसंग शाह की डेथ होने पर उन्हें मांडू में दफन ना करते हुए नर्मदापुरम में गर्ल्स कॉलेज के पीछे नर्मदा रिवर के कॉर्नर पर दफन किया जाता है, जिसे आज आप और हम होशंगाबाद सिटी के नाम से जानते हैं। 1436 में महमूद खिलजी मांडू आते हैं और मांडू की बागडोर संभालते हैं 1436 से 1469। 1469 में महमूद फर्स्ट की डेथ मांडू में ही होती है, तो उनका टॉम्ब भी यहीं बिल्ड है। उनका बेटा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी 1469 टू 15 सेंचुरी हिस्ट्री में एक अलग ही मुकाम है, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार उनके हरम में 15,000 क्वीन थी, जिनके लिविंग के लिए उन्होंने इस बिग कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया था, जो टोटली 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और 6 फ्लोर में इसे बिल्ड किया था। बट सुल्तान की 15 सेंचुरी में डेथ हो जाती है, तब उनका बेटा नसरुद्दीन शाह खिलजी सेकेंड 1508 से 1534 में अटैक होता है गुजरात से मुजफ्फर शाह गुजराती का। मुजफ्फर शाह गुजराती 1534 में मालवा को जीत लेते हैं और मालवा का संचालन 1534 से 1542 तक गुजरात के हैंडओवर हो जाता है। अब तक का जो हिस्ट्री था मालवा का, ये इंडिपेंडेंट हिस्ट्री था। हम जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हिस्ट्री का सेंटर पॉइंट है दिल्ली, लेकिन अब तक भी मालवा दिल्ली से कनेक्ट नहीं था। तो उस समय दिल्ली में हुआ करते थे हुमायूं, और हुमायूं पर अटैक किया फर्स्ट अफगानी किंग शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह फर्स्ट अटैक में तो दिल्ली को नहीं जीत पाए, तो उन्होंने सेकेंड अटैक किया और दिल्ली को जीता। तो शेरशाह जब दिल्ली से मालवा आए तब मालवा दिल्ली से कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने उनके गवर्नर के तौर पर यहाँ पर सुजात खान को नियुक्त किया। तो सुजात खान ने मालवा के गवर्नर बनते ही अपने बेटों में रियासतों को डिवाइड किया। उनके दो बेटे थे, दौलत अली खान और मलिक बैजद अली खान। दौलत अली खान बड़े बेटे थे, इसलिए उन्हें प्रॉपर मालवा दिया गया जो देवास उज्जैन आगर है, और मलिक बैजद अली खान एक अच्छे सोल्जर्स थे, इसलिए उन्हें बॉर्डर दिया मांडू। तो 1555 में जब मलिक बैजद अली खान मांडू आए तब मांडू के 932,000 लोकल आवाम ने उन्हें बाज बहादुर का नाम दिया। वही बाज बहादुर मांडू में 1555 से 1564 तक रहे। 9 सालों के दरमियान वो यहाँ रूपमती को भी लाए, गीत संगीत हुआ और रूपमती ने सुसाइड भी किया, ये मैं आपको बताऊंगा। 1564 में अटैक होता है मुगल्स का, स्पेशली अकबर का भाई आदम खान और उनका सेनापति मोहम्मद मुल्ला पीर 125,000 सैनिकों के साथ गोलाबार दसले से लेस मुगल बटालियन सहारनपुर से एंट्री करती है, वहीं युद्ध होता है। वहाँ बाज बहादुर अपने हारने की कंडीशन को भांपकर भाग जाते हैं। तब स्टार्ट होता है मांडू में मुगल टाइम पीरियड। तो 1564 से 1704 तक कंटिन्यू मुगल रहते हैं, क्योंकि 4 जनरेशन थी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1704 में औरंगजेब के सिपाही सलाहकार शाह बुदाक खां, जो बर्रार पुणे में नियुक्त थे, उन पर नीमजी सिंधिया अटैक करते हैं। सिंधिया बर्रार को जीतते हैं, फिर सिंधिया, होलकर, पवार, गायकवाड़ मिक्स होकर मुगलों को हराते हैं और जीतने के बाद एरिया को डिवाइड किया जाता है। तो सिंधियाओं को दिया जाता है ग्वालियर स्टेट, होलकर को इंदौर,
पंवारों को मांडू और धार और गायकवाड़ों को बड़ौदा। लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड में मेजर जनरल मालकम के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट स्टार्ट होता है, तब से आज तक सारे मॉन्यूमेंट एएसआई के अंडर कवर है, जो उनकी देख रेख रिनोवेशन कंटिन्यूस करते आ रहे हैं। तो ये है श्रीमान मांडू का फाउंडेशन। अब हम लोग बिल्डिंग का विजिट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप, ये सामने जो मॉन्यूमेंट्स है, इसे तवेली महल के नाम से जाना जाता है। तवेली, तबेला, हॉर्स हाउस, अस्तबल, ये उन जगहों के नाम होते हैं जहाँ हॉर्स अवेलेबल होते हैं। सेम टाइम पीरियड 1469 टू 15 सेंचुरी में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने उन 15,000 क्वीन की सिक्योरिटी के लिए इस वॉच टावर को बनाया था। हिस्ट्री में कभी भी इस कॉम्प्लेक्स का मेन इंटीरियर गेट ये नहीं रहा जहाँ से हमने एंट्री की। हम इस कॉम्प्लेक्स के लास्ट पार्ट में, जो मेन गेट था वो बैक साइड से था। तो ये वॉच टावर था। फर्स्ट फ्लोर में घोड़ों को रखा जाता था, सेकेंड फ्लोर सोल्जर्स के लिए, और थर्ड फ्लोर 1952 में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू मांडू विजिट के लिए आए। यहाँ होटल्स नहीं थे, इसी बिल्डिंग को ओल्ड पैटर्न पर डेवलप करके उन्हें यहाँ ठहराया गया। तब से ये वीआईपी गेस्ट हाउस है। जितने भी वीआईपी क्लाइंट मांडू विजिट के लिए आते हैं वो आसानी से रुक पाते हैं। ग्रीन मैट वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये म्यूजियम है। मांडू की खुदाई के दौरान जितने भी बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ वगैरह प्राप्त हुए हैं वो वहीं रखे हैं, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे अभी क्लोज कर रखा है। ये इमारत देखिए, इसे जहाज महल के नाम से जाना जाता है, शिप पैलेस। रीज़न शिप पैलेस कहने का, बिल्डिंग के बैक साइड पर मुंज लेक है, ये सूरज टैंक, ये कपूर लेक। तो बारिश के दिनों में जब ये सब भर जाते हैं तभी मांडू की सुंदरता में चार चांद लगते हैं। बारिश होगी, फॉग होगा, ग्रीनरी होगी, लेक फुल होंगे। इस कंडीशन में जब आप बिल्डिंग के सेंटर पॉइंट पर खड़े रहेंगे तो आपको फील होगा कि लुक लाइक इज शिप, आप एक समुद्र में लंगर डाले हुए डेक पर खड़े हैं। वैसे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 1469 टू 15 सेंचुरी में इसे बिल्ड किया था। तब इसका यूज़ रॉयल हरम के रूप में लिया जाता था, जहां उन 15,000 क्वीन में से उनकी रॉयल क्वीन नाज़नीन बानो रहा करती थी। उनके लिए ये 12 कमरे बनाए गए थे, बट तब इसे जहाज महल नहीं कहा जाता था। 1670 में जब जहांगीर मांडू आए तब उन्होंने ये सीढ़ियाँ बनवाई और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर देखा कि स्टार और मून के शेडो नाइट में उन्हें लेक में दिखाई दिए। तब उन्हें लगा कि ये इमारत एक जहाज नुमा है, तभी से इमारत को जहाज महल के नाम से जाना जाता है। आपने कई जगहें विजिट की होगी, कभी भी कहीं भी आपने किसी मॉन्यूमेंट्स के रूफ पर स्विमिंग टैंक देखा, छत पर शायद नहीं देखा होगा। वहाँ लास्ट कॉर्नर पर बना हुआ लोटस टैंक, अब वहाँ पर मानसून में तो रूफ रेन वाटर वाटर चैनलों के माध्यम से सप्लाई हो जाता था, लेकिन विंटर और समर में रानियों को नहाने के लिए जब वहाँ पर पानी सप्लाई करना होता था तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास लाइट नहीं थी। तब भी वो लोग आसानी से पानी को टॉप तक सप्लाई करते थे पाशन व्हील के माध्यम से, राहट जो बेलों के माध्यम से चलाया जाता था। कहाँ चलता था ये दो होल देख रहे हैं वॉल के अंदर आप लोग, है ना, यहाँ पर दो रिंग लगाई जाती थी और नीचे से वो पाशन व्हील चलता था, जिसमें बाल्टी, डब्बा या एक चमड़े का बड़ा सा पात्र होता था जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर कलेक्ट होता था। स्टार्ट करने पर वो बर्तन ऊपर जाएगा, ऊपर खड़ा हुआ सोल्जर उसे चैनल पर ड्रॉप करेगा। यहाँ से चैनल सीधा कनेक्टेड है टैंक तक। टैंक भर जाने पर वो वाटर की कंटिन्यूटी क्लोज करते थे, बट कहाँ, ये वाइट मार्बल का गेट आप देख रहे हैं ना, इसमें दो पिलर है राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ से हम उसे पिलर ही देख पाते हैं, बट एक्चुअल में है वो वाटर पाइप है। तो वहाँ से वो पानी को प्रेशरली नीचे उतारते थे और कनेक्ट करते थे उस साइड पर, वो दो पेड़ छोटे बने हुए हैं ना वहाँ पर, वहाँ तक पानी सप्लाई हो गया। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि बिल्ड बाय जहांगीर 1670, यानी कि 1469 टू 15 सेंचुरी में जब ये एरिया डेवलप हो रहा था तभी सीढ़ियाँ नहीं थी। तो यहाँ पर क्या था, ये टूटा हुआ स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा स्लोपेट ऊपर वॉल बना हुआ था, जैसी सीढ़ियाँ बनी हुई है ना सेम वैसा ही, और इसी के ऊपर काफ़ी बड़ा वाटर चैनल था। तो वहाँ से तो पानी वो डाउन ला ही रहे हैं, प्लस वहाँ से भी पानी को प्रेशरली छोड़ते थे, तो ये पानी जाता था एल शेप में, वहाँ से सीधा क्रॉस होकर ये गार्डन में आप टूटा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं वाटर चैनल का, है ना, यहाँ से फिर ये कनेक्ट होगा दोनों पेड़ों के बीच में। तो दोनों प्रेशर जब मिक्स होंगे तो वहाँ पर 5 से 7 फीट का फाउंटेन मेंटेन होगा जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ये कपूर लेक, कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। देखिए मांडू का जो इतिहास है ये 1400 सालों का है, लेकिन मांडू कई हज़ार साल पुराना है। आज भी यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल जड़ी बूटियों के जानकार अब नहीं बचे।
तो पहले वो लोग उन जड़ी बूटियों को प्राप्त करके कपूर के साथ मिक्स करके एक एरिया फिक्स करके डालते थे ताकि उनकी रानियां जब यहाँ पर स्विमिंग करें या नहाए तो उनकी सुंदरता बढ़े और बालों का कलर भी चेंज हो, इसलिए इस लेक को कपूर लेक के नाम से जाना जाता है। बैक साइड पर मुंज लेक, ये सूरज टैंक। देखिए रेन वाटर डायरेक्टली यहाँ नहीं आ पाता क्योंकि ये मेन मेड है, बैक साइड वाला नेचुरल लेक। तो उस साइड जो रेन वाटर आएगा वो सूरज टैंक में, ये जस्ट डाउन साइड पर स्मॉल केनाल बना हुआ है जिसके थ्रू सूरज कुंड का पानी सारा कपूर लेक में, क्योंकि बिल्डिंग की सुंदरता फ्रंट से होती है। ये बिल्डिंग का फ्रंट है, यहाँ पर पानी होना चाहिए, बैक साइड पर लेक चाहे सूख जाए। आइए हम आगे विजिट करेंगे क्लीनर स्टोन। उस साइड का जो पानी होता था वो यहाँ हल्का क्लीन होगा, प्लस वाटर साउंड भी बनेगा, दोनों चीज़ें। तो झरने की कलकल कलकल आवाज़ सुनने के लिए उनको फॉरेस्ट में नहीं जाना होता था, वो यहीं सुन लेते थे। यहाँ से ये वाटर चैनल कनेक्टेड है जो आगे पेड़ों तक जा पा रहा है। आइए इसके टॉप पर हम लोग रिटर्न में जाएंगे। ये क्लीन करने के लिए टाँकी है ये ना? हाँ। इनमें क्या बढ़ते थे क्लीन करने के लिए? कुछ भी नहीं करते थे, वो केवल पानी, सादा पानी छोड़ देते थे ऊपर से, तो प्रेशर से वो पानी कल 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 आवाज साउंड भी बनाता था और क्लीन भी होता था। ये जो पाइप है सामने है वो? हाँ जी, ये यहाँ फाउंटेन मेंटेन होता था, ये चौकोर जो बना हुआ है ना। अब जब प्रेशर बढ़ जाता था तो फाउंटेन का जो पानी होता था वो बिल्डिंग को गीला करता था, तो एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करने के लिए उन लोगों ने ये मेन वाटर चैनल बनाया था जिसके थ्रू वो एक्स्ट्रा वाटर वापस लेक में चला जाता। ये सुल्तान के बैठने के लिए और वो लेक के बीच में बना हुआ है डांसिंग स्टेज। आइए प्राचीन हिंदू बावड़ी। वाओ, इस साइड का जो रेन वाटर होता था वो यहीं कलेक्ट होता था। रिनोवेशन के दौरान जो छोटी छोटी वाटर चैनल्स बनाई गई थी जो शहरी के वाटर को कलेक्ट करती थी वो आज हम नहीं देख पाते। यहाँ से वो पानी को ऊपर लाते थे, उस सिस्टम को बाल्टी और रस्सी को पुली कहा जाता था। चैनलों के थ्रू वो पानी यहाँ आएगा, ये वही कॉन्सेप्ट है, पानी क्लीन होगा और वाटर साउंड बनाएगा। यहाँ से ये पानी इस होल के अंदर जाता है, चैनलों के थ्रू वो पानी जाएगा लाइन के टैंक में। अब लाइन में पानी जाने से क्या होगा, पानी क्लीन होगा और पानी में कैल्शियम की मात्रा मिक्स होगी, प्लस उनको जो कंस्ट्रक्शन के लिए लाइन अवेलेबल होता था वो स्टोन टाइप होता था, सॉफ्ट होता था, उसको फोड़ कर वो लिक्विड करते थे। तो पानी के माध्यम से आपका लाइन लिक्विड भी हो रहा है, पानी क्लीन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें। यहाँ से फिर उसे बैक साइड शिफ्ट करते थे जहाँ पर वाटर का सेवन से एक टाइम रेत कोयला चूना मास्क लगाकर फिल्टर करते थे, सेंटर पर लाकर कॉपर के बर्तनों में कलेक्ट करके सप्लाई किया जाता था ड्रिंकिंग के लिए। तो अब हम देखेंगे उनका आरओ वाटर प्लांट। आई ये पूरा फिल्टर प्लांट है जी सर, पानी यहाँ से घूमता घूमता जाता होगा ना। अभी जितने भी टैंक्स आप देख रहे हैं सभी टैंक में होल बने हुए हैं जो सारे अप डाउन, हर होल पर रेत कोयला चूना और घास लगा रहता था ताकि पानी एक टैंक से नेक्स्ट टैंक में जाए तो कुछ परसेंटेज वो पानी फिल्टर हो। तो इतना लंबा प्रोसेस जो बहुत स्लो
होता था तो वो पानी कम्प्लीटली आर ओ होता था, वहाँ सेंटर पर कलेक्ट होता था और वहीं से कॉपर के बर्तनों में भरकर सप्लाई करते थे ड्रिंकिंग। ये देखिए, इसे कोलू कहते हैं, कोलू का बेल, जो 24 आवर वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता था यही बनाया जाता था उस समय भी, आज भी, आज रिनोवेशन के लिए बनाते हैं। तो उस समय इसमें मिक्स किया जाता था ज़्यादा क्वांटिटी में लाइम, ये टैंक उस टाइम के लाइम के, फिर मिक्स करते थे गुड़ का पानी, बिलपत्र जो हम शिवजी पर चढ़ाते हैं उसका जो फ्रूट होता है बिल्ला बेल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, सरस, गोंद, ये सारी चीज़ें क्वांटिटी में मिक्स करके यहाँ डाल दी जाती थी। कैमल का यूज होता था या वांटेड वर्कर्स का, इसे राउंड करने पर वो पूरा पेस्ट हो जाता था। इसे फिर जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता था तो नॉर्मली सीमेंट की उम्र होती है 50 साल, इस मटेरियल की उम्र होती है 1000 ईयर्स। ये देखिए, ये इमरजेंसी एग्जिट उनकी रॉयल क्वींस के लिए, लेकिन अभी हम लोग इसे डायरेक्टली देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल में जब ये लिविंग कॉम्प्लेक्स रहा था तो इस पूरे एरिया का फाउंडेशन लेवल इस लेवल पर ही बना था, यहाँ पर भी छत था, लगता है यहाँ छत रहा होगा। ये पिलर का फाउंडेशन, अगर पिलर है तो छत रहा होगा, इधर छत हो। हाँ जी, तो यहाँ जो रानियाँ रहती थी वो आसानी से इसे कॉर्पेट या बेड बिछा कर क्लोज रख सकती थी। एमरजेंसी टाइम में वो यहाँ से एंट्री करके कनेक्ट होती थी चंपा बावड़ी, जो हम नेक्स्ट विजिट करेंगे। अब अभी आप लोग इस कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट फ्लोर तक ही देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल में ही सिक्स फ्लोर में, थर्ड फ्लोर टॉप पर, थर्ड फ्लोर माइनस में। तो टॉप से थर्ड फ्लोर तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, माइनस थर्ड फ्लोर अवेलेबल है, जहाँ ये रास्ते सेकेंड फ्लोर पर कनेक्ट होते हैं। फर्स्ट फ्लोर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2014 में टर्नल के रूप में क्लीन किया। टर्नल की हाइट 15 फीट, चौड़ाई 10 फीट, तो ASI का अंदाज़ा है कि शायद उस समय नीचे हॉर्स व्हीकल हों जिनके माध्यम से रानियां फास्ट एग्जिट होती हैं। लेकिन अभी काम बंद है, काम इसलिए बंद है कि हर मानसून में लेक का लेवल बढ़ता है और उसका सारा पानी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर भर जाता है। तो जब वो पानी सूखेगा फिर दोबारा काम स्टार्ट होगा, फिर पता चलेगा कि वो रास्ते आगे कहाँ जाते हैं। तो सेकंड फ्लोर तक हम आज भी जा पाते हैं, हम भी चलेंगे। ये यहाँ जहांगीर की कचहरी लगती थी, इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एक बिग विंडो थी, उसके बैक साइड पर लॉयन का फेस लगा हुआ था और वहीं जहांगीर बैठते थे, उसे टाइगर बालकनी कहा जाता था नहर झरों का। और इसके पीछे वाला हिस्सा जो है वो ओपन हॉल है बड़े बड़े, क्योंकि 15,000 लोगों का जो राशन होता था, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जो कर के रूप में उन्हें प्राप्त होता था मांडू, वो वहीं जमा किया जाता था, जो इन लोगों का राशन पानी होता था जो 15,000 लोग यहाँ रहते थे। किले में उस टाइम 15,000 लोग थे, आज मांडू की पॉपुलेशन 15,000 है, और उस समय 9 लाख थी, तब दिल्ली की पॉपुलेशन 3 लाख थी, यहाँ की 9 लाख थे। हाँ जी, महल है, हिंडोला तो गुजराती ही वर्ड है, इसका हिंदी अनुवाद करें तो हिंडोले का अर्थ होता है झूला। झूला 1469 टू 15 सेंचुरी में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने रोमन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके विदाउट फाउंडेशन, बगैर पाए की इस इमारत को बनाया। इंडिया में दो ही ऐसे बिल्डिंग है जो बगैर पाए के बनाए गए, जयपुर का हवा महल और मांडू का हिंडोला महल। तो फाउंडेशन और बेस नहीं होने के कारण ये हेवी वेट स्टोन इसकी छत में नहीं लगाया गया, क्योंकि वेट अगर बढ़ता तो बिल्डिंग बैठ जाता। तो छत ना होने का फ़ायदा उनकी रानियों को मिलता था मानसून में, जब वो यहाँ आती थी उनके लिए ऊपर झूले बांध दिए जाते थे। लेकिन क्या सुल्तान ने इसे दीवानी खास के तौर पर बनाया तो बगैर छत के दरबार कैसे चल लगाते होंगे, मुमकिन ही नहीं। तब वो लोग नॉर्मल वेट का रूफ बनाते थे जो कॉपर का होता था। छत लगा दिया आपने, ये सारे गेट हैं, सब बंद हो जाने पर बिल्डिंग में पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी तो थी ही नहीं। तब उन लोगों ने उस कॉपर रूफ के नीचे वाली साइड पर सिल्वर जिंक का प्लास्टर किया,
अब जिंक प्लस रिफ्लेक्ट करेगा, बट कब, जब वहाँ सनलाइट जाएगा। तो अभी देखिए आप, सनलाइट ऊपर वाली आर्च के लेवल पर आएगा, है ना। ऊपर वाली जो आर्च आप देख रहे हैं, यहाँ से हमको स्ट्रेट दिखाई देती है, बट एक्चुअल में ये स्लोपेट इस टाइप से बनी हुई है। तो यहाँ जब वो जिंक लगाएंगे, जैसे ही सूर्य उदय होगा, सूर्य की किरण यहाँ पड़ेगी और यहाँ का रिफ्लेक्शन रूफ पर, रूफ का रिफ्लेक्शन नीचे। लाइट हो गया आपके पास लगभग 3.5-4 घंटे तक, आपने दरबार चलाया। सन जब इस साइड से राउंड करके बैक साइड जाएगा तो 4 बजे, नॉर्मल दिनों में 2 घंटा, 4 से 6 तक, और समर में 7 तक, 3 घंटा दरबार आप उस साइड से भी आसानी से चला सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिखाई देगा कि जहाँ झूला लगाया गया हो, ना तो कोई इंगल्स लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो झूला लगाने का उनका ये सिस्टम था, ये तरीका था कि ये जो गैप आप देख रहे हैं, इसमें इतना ही हेवी लकड़ी का पटिया लगाया जाता था, कैसे, पूरा राउंड करके। अब हम जब झूला चलाते हैं तो वो हिलता है, लेकिन जब ये पूरा फिक्स हो जाएगा तो झूला चलने पर वो हिलेगा नहीं। यहाँ से वहाँ तक नॉर्मल हाइट पर एक लकड़ी को जॉइन किया जाता था और फिर नॉर्मल हाइट पर ही झूले को चलाया जाता था। तो उन फुहारों में, बारिश के फुहारों में रानियों को झूलना पसंद था, इसीलिए इसे इंदला महल कहते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि जब मांडू पालीताना जैसा दिखाई देता था तो वो टेम्पल्स और वो स्टोन गया का, क्योंकि पत्थर से ही मंदिर बने थे, तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके मॉस्क और टॉम में यूज किया, मकबरे और मस्जिदों का निर्माण हुआ। तो उन स्टेच्यूज को उन लोगों ने फाउंडेशन में डाल दिया, जैसे हम घर बनाते हैं तो भराव किया जाता है, लेवल किया जाता है, वहाँ डाल दिया। तो कुछ समय पहले जब बिल्डिंग का ये राइट वाला हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ तो बैक साइड पर वो मूर्तियाँ दिखाई दी जो उस समय फाउंडेशन में डाली गई थी। तो ये एविडेंस है कि ये टेम्पल था उस समय। वहाँ पर बाहर वाली साइड पर आप माँ सरस्वती का स्टेचू देखेंगे, जो इस बात का सबूत है कि बिल्डिंग को अलग अलग टाइम पीरियड में चेंज करके यूज किया गया, बट एक्चुअल में ये टेम्पल ही था। अब आप यहाँ फोटो ले लीजिए, इसका ये व्यू अच्छा आता है, आप लोग पूरी फैमिली रिकॉर्डिंग है ना, हमने बोलते नहीं क्या बताए हिंदी में, यूट्यूब पे आएगा हमारे लाइव होगा यूट्यूब पे अभी 2-3 घंटे। ये सर हमार इसने नाम है टर्किश बाथ बाथरूम, कैसे इसका यूज करते थे, ये वाटर टैंक है, इसके नीचे वो लोग आग जलाते थे, लेकिन कभी भी यहाँ पर आग जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि मांडू और हमाम दोनों ही बहुत कलरफुल है। अभी तक आपने कहीं पर भी कलर देखा, ये देखिए अभी तक इतना कलर है, तो जब ये यूजेबल था तब कितना डेवलप रहा होगा। तब वो लोग यहाँ पर चारकोल लगाते थे अंगारों में कन्वर्ट करके, टैंक को हाफ तक फुल करेंगे ताकि हाफ में स्टीम हो। टैंक और हमाम के बीच में लाइन पाइप लगाया जाता था जिसके थ्रू वो स्टीम हमाम में जाएगा, और फिर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रानियां लेंगी स्टीम बाथ इन छोटे छोटे होल के थ्रू। यह हो गया रानियों के लिए स्टीम बाथ। अब जब रानियां स्टीम का यूज कर रही होती थी तब ऊपर कलरफुल ग्लास लगा दिए जाते थे ताकि स्टीम एग्जिट ना हो, और जब रानी को स्टीम नहीं लेना और सन बाथ लेना है तो वही ग्लास हटा दिए जाते।
जैसे ही सन सेंटर पर होगा ये स्टार और मून का शेडो पूरा यहां दिखाई देगा। इन टेम्पो में सेंटेड वाटर, गुलाब, चंदन, चमेली, नाजनीन जो जिस रानी को पसंद है, इसी के ऊपर दो वाटर चैनल्स हैं जिसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर 24 आवर कंटिन्यू होता है। अगर रानी हमाम में है और अटैक हो जाता है तो बाहर खड़ी दासी, कलीज या ख्वाजा सिरा रानी को तुरंत आगाह करेगी। वो अंदर वाली साइड से इसके सेंटर पर एंट्री करेगी जो इमरजेंसी एग्जिट है, जहाँ से हमाम के बेसमेंट से और बेसमेंट से सीधा चंपा हुआ है और वहाँ से आगे एंट्री आसानी से हो जाएगी। आइए बंद छोड़ दे मुस्लिम यहाँ के फोटो मस्त था। घंटियां वगैरह दिखाई दे रही हैं या आप एक एक पिलर पर मस्त आप लोग सब वहां चले जाइए, मैं आपको सुनाता हूँ। जो ना दुनिया में जाए सब घूमने पाते घूम रहा है यार बस कर रहे हैं। अरे तू गातो ना ध्रुवीन गाइड दे सीन कर चल जो पाथर नीचे तो वो पाचर खाए ये उनका फर्स्ट टॉयलेट। इसकी जो एक्चुअल बनावट थी वो ऊपर से डिस्ट्रॉय हो चुका है तो यहाँ से पानी के माध्यम से वो सारा मलबा पीछे रखे बड़े से बर्तन और पात्र में चला जाता था, वहीं से वर्कर उठाकर उसे ड्रॉप करके आएगा फिर नेक्स्ट। तो ये उनका घुसल खाना टॉयलेट। इस साइड पर वाटर चैनल बना हुआ है ताकि टॉप फ्लोर से वाटर हल्का कुनकुना पानी प्रेशर से आता था और कई घंटों तक वो यहाँ बैठकर स्नान कर पाते थे। स्नानागार है ना, ये टॉयलेट है, टॉयलेट उस टाइम। हाँ हाँ ठीक है। ये तलवारबाजी के लिए प्रैक्टिस के लिए है। ये देखिए जो रानी यहाँ एग्जिट होगी चंपा बॉडी में जंप करने के बाद वो इस साइड एंट्री करेगी।
से कैंटीन। यहाँ से एग्जिट करते हैं, यहाँ से वो बाहर आएंगी और फिर इससे एग्जिट करेंगी। ये फर्स्ट फ्लोर क्लीन है लेकिन अभी विजिट के लिए ओपन नहीं किया क्योंकि अभी हल्का पानी है वहां पर। ये उनका 3.5 लाख लीटर का स्टोरेज टैंक, देखिए वहां अंदर आपको सनलाइट दिख रहा है ना, वहां ओपन रखते थे आज को, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ रहता था जिसके थ्रू वो हवा पानी पर पड़ के जब अंदर आती थी तो नेचुरल एसी का काम करते। वो गेट जो मैं आपको वहां बता रखा ना कि चंपा बावड़ी के वहां पहुंचता है, ये ऑप्टोलॉजिकल ने यहाँ पर बंद कर दिया उसे। फोटोज वगैरह लेकर वहां से नीचे उतर कर कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया बढ़िया अच्छा लगा। पूरी है वहां के रहने वाली की, उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था लेकिन जो निमाड़ के शासक थे राजा थान सिंह, उन्होंने रूपमती को अडॉप्ट किया और उनकी रॉयल फैमिली में उनका पालन पोषण। रूपमती ही इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर था। ये कहें कि इतिहास में जब भी सुंदरता की बात होती है तो तीन नाम ही सामने आते हैं, रूपमती, पद्मावती और मस्तानी। रूपमती सुंदर होने के साथ सिंगर भी थी, वो राग में बल्हार गाती थी कि अगर टेम्परेचर कितना भी है और अगर उन्होंने ये गाना स्टार्ट किया तो मानसून मर जाता। तब से आज तक इस राग को गाने वाले भी 4 लोग ही हुए, तानसेन, रूपमती और आपके गुजरात में 2 बहनें थी, ताना रे। 1555 में बाज बहादुर मांडू आए और मांडू से शिकार के दौरान धर्मपुरी चले जाते हैं, तो वहाँ नर्मदा के किनारे ये रूपमती का गायन सुनते हैं। तब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतना अच्छा गाती है तो आप मालवा चलिए, तो रूपमती ने यहाँ आने से इनकार किया क्योंकि रूपमती नर्मदा जी के दर्शन किए बिना नजर ग्रहण नहीं करती थी। तब बाज बहादुर ने 1556 में 48 आवर्स में रूपमती का 3rd फ्लोर बनवाया जहाँ से वो नर्मदा जी को देखती थी, इसीलिए उसे रूपमती पवेलियन के नाम से